वेलकम बैक टू दी चैनल देसी व्लॉग्स। मैं सुधीर और मैं संदीप भाई आज फिर से, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार जरूर करें। हमारे व्यूअर्स ने इंतजार किया, उनके लिए थैंक्स। स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने इंतजार किया तो फर्स्ट पार्ट में भी आपको दिखाया था इलेक्ट्रिक कार विंटेज, जो हमारी इलेक्ट्रिक कार है वो दिखाया था, पूरी डिटेल्स बताई थी, और वो थी हमारी फोर सीटर। और ये जो कलर भी अलग है, इलेक्ट्रिक विंटेज कार ही है, और ये है हमारी टू सीटर। तो एक बार आपको हम पहले फ्रंट से लुक आप देख ही रहे हैं, टेस्ट ड्राइव आप दे रहे हैं आपको, साइड से भी अभी दिखाएंगे, उसके बाद में जैसा कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया था आपको ओवरऑल फीचर्स भी बताएंगे, और प्राइस फिर से सस्पेंस है, प्राइस आपको लास्ट अच्छा, इसमें बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो आपकी डेढ़ के आसपास थी और ये कुछ लाख के आसपास मैं भी लाख के आसपास भी हो, 80,000 हो, 1.5 लाख हो वो, लेकिन लास्ट में आपको जैसे बताएंगे। उस वीडियो में आपको भाई पहले पूरा तो मैं आपको एक बार आप फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से आपको डिजाइन कैसा लगा भाई? फ्रंट से देखो डिजाइन में कोई चेंज नहीं है, वही सेम डिजाइन है, लेकिन थोड़ी लेंथ का फर्क है। अच्छा, आप देखोगे ना वो सारी चीजें बताएंगे, लेंथ का फर्क है, बाकी फ्रंट से सेम है, वैसे ही आपको बैजिंग जैसे फ्रंट से मिलती है सेम उस गाड़ी में मिलती है, ऐसे ही वहीं पे इसकी पोजीशन लोकेटेड है, जो एलईडी लाइट्स की है वो भी। अच्छा, फेंडरों की लोकेशन भी वही है, सेम एज इट इज, क्वालिटी भी सेम है जैसे आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपके। देखो साइड व्यू देखो, और अब साइड व्यू दिखाता हूं आपको, साइड व्यू से देखो, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे ताकि पूरा प्रॉपर दिख सके, लेग स्पेस ये देखो भाई साहब, मतलब स्पेस देखो कितना अच्छा खासा स्पेस आपको, ये नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है, बैठने के बाद ना आपको कंफर्ट फील होगा, आराम से मैं रिलैक्स मोड में बैठा हूँ पीछे तो, वाली अच्छा थोड़ी लेंथ का फर्क हो गया। देखो उसमें क्या था, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है उसमें, यहाँ पे सीटिंग थी। अच्छा, इसमें स्टेपनी एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा स्टेपनी एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पे आप स्टोरेज है यहाँ पे, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल। वैसे भाई वैसे बैठने को तो देखो बैठ सकते हो, लेकिन सीट नहीं है, सीट नहीं है। तो ये कुछ लुक है, ये कुछ डिजाइन है आगे से साइड से, और स्टीयरिंग भी सेम फील, सेम स्टीयरिंग और फरारी वाली आपको फील आ रही है इसमें, बेसिक्स तो वही है, बाकी बताते हैं आपको सीधी। यहाँ पे व्हील जो है ना, व्हील साइज क्या बताया था हमने इसका, 17 इंचेस में है, और काफी लुक देखो व्हील का, बिल्कुल जो एक रॉयल फील होता है ना भाई, रॉयल फील है नो डाउट। अच्छा, इसमें दो बंदों के लिए है भाई, अब जैसे हम बैठे हुए दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और गेड़ी शेड़ी मारनी हो ना वैसे आराम से मजे से, दो बंदे के लिए ही है, दो बंदे के लिए ही है बिल्कुल। आराम से अपनी स्पीड दिखाऊं अब आपको इसकी, लो भाई स्पीड का देखो, दिखाते हैं स्पीड, थोड़ा सा मैं बोलूंगा स्पीड थोड़ी बढ़ाएं, स्पीड थोड़ी बढ़ाओ गाड़ी की, ये देखो हमें पता चल सके स्पीड कितनी है, स्पीड देखो आप, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कम स्पीड दिखती है, मजा आ गया, अच्छी खासी है, और आप लुक भी देख रहे हैं, डिजाइन भी देख रहे हैं, काफी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये कुछ फील है आप देख सकते हैं पीछे से भी, और स्टेपनी का भी, और कलर भी काफी, सनरूफ की जरूरत नहीं है, सनरूफ की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, सनरूफ खाली है आपका भाई, तो सही है, नॉर्मल करते हैं, अब नॉर्मल करते हैं थोड़ा, ये देखो, और उतर के एक बार इसकी डिटेल दें सारी, इसकी एक बार डिटेल देते हैं, लास्ट में आपको इसमें भी प्राइस बताएंगे, और चैनल पर नए हो ना तो यार कम से कम सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो, लाइक शेयर जरूर करो। अब बात करें इसकी अगर चार्जिंग टाइम की, तो संदीप चार्जिंग टाइम क्या है इसका? चार्जिंग टाइम वही इसका आपको 3 से 4 घंटे के अंदर गाड़ी फुल चार्ज मिल जाती है आपको, 4 घंटे इसलिए बता रहे हैं, बाकी 3 घंटे में ही फुल चार्ज हो जाएगी गाड़ी, और एक बार चार्ज करने के बाद चलती है अपनी 90 to 100 आराम से चलती है गाड़ी, इनफ है। अगर बात करें तो ये रेंज आपकी कोई दिक्कत नहीं वाली है, क्योंकि आपको हाईवे में चलानी है, लोकल में चलानी है, और बैटरी हम यूज कर रहे हैं इसमें लिथियम फॉस्फेट, जो कि सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छी बैटरी इसमें यूज की गई है। की लुक, लुक सबसे बड़ी बात है, लुक देखो रॉयल लुक है, और लो स्पीड में जो ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो है ये कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो ये इसकी खासियत है। बाकी भाई लाइसेंस बगैर जिसका लाइसेंस ना हो, गाड़ी चलानी ना आती हो, वो गाड़ी ना चलाए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बाकी ये रही भाई इसकी ओवरऑल डिटेल, प्राइस क्या है? तो प्राइस जो है ना सिर्फ 1,45,000 से जो इलेक्ट्रिक विंटेज कार है वो शुरू होती है। कलर ऑप्शन दोनों है, कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे जो भी हैं सारी डिटेल मिल जाएगी, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ पे हम बुकिंग करा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बुकिंग कराने के 1.5 से 2 महीने बाद आपको गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये रही भाई आज की इस खास वीडियो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें ऐड बिल्कुल, तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।